और केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर इस बजट को देखा जाए तो आपके लिहाज से आम जनता के लिए क्या खास है इसमें? मैं तो कहूँगा कि आम आदमी के लिए ही मोदी सरकार का बजट होता है। वो जरूरतमंद के लिए होता है, मध्य वर्ग के लिए होता है और किसान के लिए होता है। आम मजदूर से किसान तक में जितने भी हिस्से आते हैं उन्हीं के लिए होता है, और इसलिए किसी भी बजट में ए वर्ग कभी छूटे नहीं हैं। वो इस बार भी हुआ है, और इसलिए मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते सिर्फ आभार व्यक्त करूँगा प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। 135% वृद्धि हुई है मेरे विभाग, मेरे मंत्रालय में, और उसमें एक ही स्कीम में 1,000 करोड़ से ज़्यादा PLI स्कीम में है। हमेशा हम ये कहते थे भाषणों में कि भारतीय खान पान की दुनिया में बड़ी पहचान है और रुझान भी है, लेकिन गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमारे लिए चुनौती थी, वो इस बात से पूरा होगा। दूसरा, किसान संपदा योजना जो सबसे महत्वपूर्ण, किसान उत्पादक से लेकर छोटे व्यापारी तक, FPO तक, इन सब के लिए उसमें दुगना दिया गया। दूसरी बात आती है कि दुनिया ने तय किया कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस मांग की पूर्ति कर सकता है। हम सिंचाई के कारण अपने मोटे अनाज के उत्पादन से दूर भागते रहे। मुझे लगता है कि जो बजट में प्रावधान है वो नाबार्ड को भी कहा गया, वित्तीय प्रावधान भी ऐसे हैं कि किसान को इन्वेस्ट किया जाए, किसान को इस बात के लिए पैसा दिया जाए, उत्पादन बढ़ाए वो इन बातों का, और गुणवत्ता का ख्याल करे, और साथ में पैकेजिंग को लेकर हम दुनिया की डिमांड को पूरा कर पाए। आप कह रहे हैं आम जनता के लिए ये पूरा बजट है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार को तो मोदी सरकार बजट में भूल गई। हर घर तक 5 करोड़ परिवारों को पानी पहुँचाना, ये अगर विपक्ष को नहीं दिख रहा तो मुझे कुछ कहना नहीं है। या 80 लाख मकान बनाकर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो करोड़ों बन गए उसके अलावा इस वर्ष 80 लाख मकान बनाकर देना है, मुझे लगता है ये आम आदमी के लिए है, मध्य वर्ग के लिए। इसके अलावा लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मुमकिन है कि चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं इस बजट। बेचारे इसी बात को लेकर नाराज है, इसलिए आलोचना के लिए वो आलोचना ना करें, ठीक से पढ़ेंगे तो राष्ट्र के विकास में उन्हें भी शामिल होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, ऐसा 5 चीज क्या है जो आप देश की जनता को बताना चाहेंगे इस बजट में? पहली चीज तो मैं कहूँगा कि संस्थागत विकास पर बड़ा फोकस है, और जब भी संस्थागत विकास में पैसा लगता है तो रोजगार भी देता है और समस्याओं का स्थायी समाधान देता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो दुनिया की डिमांड होती है उसको देश पूरा करे, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए मैं कह सकता हूँ कि मोटे अनाज के उत्पादन जो किसान से जुड़े हैं और वो हम दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और भारत की प्रतिष्ठा भी उससे बढ़ेगी। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि ज़रूरतमंद को हर चीज़ मिलनी चाहिए। लक्षित तौर पर जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, अगर हम इसको लक्ष्य के साथ पूरा भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये भरोसा पैदा करना कि जो सरकार तय करती है उसे वो प्राप्त कर ले। तीसरी बात होती है कि जो चौथी बात है कि हम जब कभी नुकसान देखते हैं कि बच्चों का कोरोना में नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे, तकनीक हमारे पास है, वैज्ञानिक हैं और हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और इसलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात एक महत्वपूर्ण बात है। पांचवी बात है कि हम हमेशा डिमांड करते थे कि हमें चाहिए, लेकिन हमने वैक्सीनेशन किया हो या वैक्सीन बनाई हो या उसको निर्यात किया हो, हम तीनों माने में अग्रणी रहे हैं। ये 5 बातें मुझे लगता महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फिर हम अगर समुद्री उत्पादों की और ढेर की बात करेंगे तो करते जाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र TV ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।